सुनिए गाइस, क्या आप लोग भी एक एडिटर है? क्या आप लोग बहुत दिन से फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, बट आप लोग क्या होता है, आपका फोटो फुल एचडी में एडिटिंग नहीं हो पाता है। आप लोग कितना भी एडिटिंग करते हैं बट आप लोग का फोटो जो है फटने लगता है। तो गाइज आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो इस वीडियो को एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिए एंड आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका भाई कुछ इस टाइप का एडिटिंग सिखाने वाला है, वो भी आप लोग एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, ये फोटो आप लोग एकदम हाई क्वालिटी में एकदम आप लोग को एचडी एडिटिंग है। ठीक है, तो सिंपली आप लोग क्या करना है, कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग में आप लोग को बताऊंगा कि एचडी फेस स्मूथ कैसे करते हैं, क्योंकि सभी भाई को देखते हैं कि क्या होता है कि फेस स्मूथ एचडी क्वालिटी में नहीं हो पाता। ठीक है, एंड आप लोग को इसमें एचडीआर स्मूथ भी बताएंगे, देन आप लोग को कलर गार्डिंग भी बताएंगे, इसमें ब्लैक टोन कैसे मारते हैं, सब कुछ आप लोग को बताने वाला हूं। तो गाइज अगर आप लोग ये वीडियो को मिस करते हैं तो आप लोग एचडी फोटो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग को बता दूं, ये वीडियो को थोड़ा भी मिस नहीं करना है एंड मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दिन बेल आइकन को ऑल कर दे, बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग को सिखाते हैं। सो है गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड आप लोग को स्क्रीन पे आ जाने में सबसे पहले आप लोग को पहले ही बता देते हैं आज आपका भाई फुल एचडी फोटो एडिटिंग आप लोग को सिखाने वाले। तो सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे गैलरी में चलते हैं एंड भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एकदम हाई क्वालिटी में एकदम एचडीआर स्मूथ आप लोग को सिखाएंगे, देन आप लोग को बैकग्राउंड में ब्लैक टोन कैसे मारते हैं सब कुछ आप लोग को बताने वाले। तो गाइस आप भी अगर फुल एचडी में फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना है एंड आप लोग को समझना है। तो सो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या करता हूँ, आप लोग को ओरिजिनल फोटो दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यही मेरा ओरिजिनल फोटो है। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देते हैं, देन आप लोग को यहाँ से क्या करना है, लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। हे गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुके हैं, देन आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाने में सबसे पहले आप लोग को यहाँ से बैक आ जाना है, देन आप लोग को बैक आ जाने के बाद एक आप लोग को ब्लैक टोन प्रीसेट मिलेगा जो आप लोग को बहुत ही कमाल का है। ठीक है, तो सिंपली आप लोग भी अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप लोग क्या करना, यूज करने के लिए थ्री डॉट कोने पर क्लिक कर देना है, देन आप लोग कॉपी सेटिंग पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है, देन आप लोग को सही बक्स में क्लिक कर देना है, यहां से आप लोग को डन कर देना है। ठीक है, तो यहां से आप लोग को डन कर देने के बाद यहां से आप लोग को बैक आ जाना है, देन आप लोग को बैक आ जाने तो अपने ओरिजिनल फोटो में चले जाना है। तो देख सकते हो अपने ओरिजिनल फोटो में आ जाने के बाद सिंपली भाई लोग आप लोग क्या करना है, थ्री डॉट कोने पे क्लिक कर देना। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है, देन आप लोग को पेज सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर देना है, देन आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक क्लिक में आपका जो है फेस जो व्हाइट हो जाएगा, देन आप लोग क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं एकदम ब्लैक टोन आ जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे टी शर्ट का कलर जा चुका है, तो आप लोग को एडिट पे क्लिक कर देना है, देन आप लोग कलर पे क्लिक करना है। ठीक है, कलर पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आप लोग को मिक्स कलर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है, देन आप लोग सिचुएशन को माइनस कर देना है। ठीक है, तो सिचुएशन को आप लोग को माइनस पे यहाँ पे था आप लोग क्या करना है, प्लस कर देना। ठीक है, तो 11 प्लस कर चुकी है, देन आप लोग को डन कर देना है। तो इतना कर देने के बाद आप लोग को लाइटरूम का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को इतना कर देने के बाद शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे शेयर का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है, देन थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से वेट कर देते हैं, देन आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। ही गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में आ चुके हैं, देन आप लोग को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में आ जाने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, ब्रश वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है, देन आप लोग को बहुत सारा ब्रश का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है, सीधा आप लोग को नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे ट्रेडिशनल लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल के जस्ट नीचे ये वाला ब्रश को आप लोग को सिलेक्ट कर देना है, देन आप लोग को सेटिंग पे क्लिक कर देना। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक कर देंगे और सिंपली आप लोग को स्मूथ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन आप लोग को यहां पे स्मूथ सिलेक्ट कर देना। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं, तो फॉलो को यहां पे 3 रख लेना है, स्टैंड को 29 रख लेना है एंड आप लोग को साइज यहां से अपने
हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो सोचना आप लोगों को इतना कर दें, तो अगर आप लोग भी हाई क्वालिटी में जब भी एडिटिंग करना चाहते हैं, एकदम फुल HD में एडिटिंग करना चाहते हैं, तो इसी ब्रश को यूज कीजिएगा। एकदम बवाल का आप लोग को स्मूथ होगा, वो भी आप लोग को बिना स्क्रेच के, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते कितना कमाल का स्मूथ हो रहा है, एकदम लाइव प्रूफ आप लोग को दिखा रहे, थोड़ा भी आप लोग इसमें स्क्रेच नहीं आ रहा है, एकदम आप लोग को एकदम एक लेवल में स्मूथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते आप लोग सामने एकदम लाइव प्रूफ स्मूथ की है, तो देख सकते कितना बवाल का स्मूथ हुआ है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि कौन सा ब्रश से स्मूथ करते हैं एंड कैसे स्मूथ करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्मूथ कर लेते हैं। सो हे गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो फोटन है उसको हम स्मूथ कर चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा बवाल का स्मूथ हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा भी जल्दीबाजी नहीं की है, एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्मूथ किए, ठीक है। तो आप लोग को भी जल्दीबाजी नहीं करना है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे स्मूथ करते हैं। देन आप लोग इस पर क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को सेव कर देना है एंड फोटो को सेव कर देने के बाद सीधा आप लोग गैलरी में चलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा जो फोटो है ना सेव हो चुका है। देन आप लोग फोटो को सेव हो जाने के बाद आप लोग क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है। देन आप लोग को यहाँ से क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आप लोग को स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग को स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग को टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, टूल्स पे क्लिक कर देना है। देन आप लोग को डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड आप लोग को नीचे को स्ट्रक्चर को यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे 25 कर देना है। देन आप लोग को टूल्स पे क्लिक कर देना है और सिंपली यहाँ पे आप लोग को प्रोटालिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोग उस पर क्या करना है, यहाँ पे अपने आप ले लेगा, ठीक है। फेस यहाँ पे सॉफ्टलाइट लिखा हुआ है, स्किन स्मूथिंग को आप लोग को यहाँ पे क्या करना है 76 कर देंगे। देन आप लोग को डन कर देना है और सिंपली आप लोग टूल्स पे क्लिक करना है, विग्नेट पे क्लिक कर देना है एंड आप लोग को विग्नेट को माइनस कर देना है। देन आप लोग को डन कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद सिंपली आप लोग को टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोग को यहाँ पे कर्व्स पे क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देंगे। देन आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोग को ब्लू को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड आप लोग को ऊपर की तरफ खींचेगा तो ब्लू होगा, नीचे की तरफ खींचेगा तो येलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू रख देना है, देन आप लोग को ब्लू रख देंगे, देन आप लोग को डन कर देना है। तो देख सकते हैं मेरा जो फोटो एकदम हाई क्वालिटी में हो चुका है, देन आप लोग को थोड़ा भी फट नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, एकदम हाई क्वालिटी में देख सकते हैं स्मूथ हुआ, एकदम हाई क्वालिटी में एडिटिंग हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, एक लाइक एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।